नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स, जी हां राजस्थान रॉयल्स, जो इस बार आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स की सबसे तगड़ी टीम और वन ऑफ द बेस्ट टीम निकल कर आई और इस बार खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, जिसने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रन से हराया, वो भी बिना शिमरन हेटमायर के। अब आप सोचिए कि अगर शिमरन हेटमायर होते तो क्या ये जीत का अंतर और बढ़ जाता। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए क्या खुशखबरी है अगले मैच के लिए, जो राजस्थान का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने वाला है। शुक्रवार को जो मुकाबला है, जो राजस्थान रॉयल्स का आखिरी मुकाबला होगा लीग स्टेज का और चेन्नई सुपर किंग्स का भी आखिरी मुकाबला होगा, जिसमें इस मैच से पहले शिमरन हेटमायर जो है मैच में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। जी हाँ, शिमरन हेटमायर वो खिलाड़ी जो राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो जिन्होंने अपना पिछला मैच जो है 7 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला था और चेजिंग करते हुए टीम को जीत भी दिलाई थी। 7 मई के बाद वो अपने घर लौट गए थे और उस घर लौटने की वजह थी उनका पहली बार पिता बनना। जी हाँ, शिमरन हेटमायर जो है पहली बार पिता बन चुके हैं और वो एक बेटे के पिता बने और अब राजस्थान रॉयल्स से वापस जुड़ चुके हैं अगले मैच के लिए, यानी कि जो राजस्थान रॉयल्स का एक आखिरी मुकाबला खेला जाना है, जिसमें अगर राजस्थान रॉयल्स जीत जाती है तो वो प्लेऑफ्स में कंफर्म क्वालिफिकेशन जो है कर लेगी, क्योंकि अभी राजस्थान रॉयल्स जो है तीसरे नंबर पर है 16 पॉइंट्स के साथ और अगर अगला मुकाबला जीत जाती है तो 18 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ जाएगी और टॉप टू में अपनी जो है पोजीशन जो है सिक्योर कर लेगी। अगर लखनऊ का जो रन रेट कम होता है तो राजस्थान दूसरे नंबर पर इस लीग में फिनिश करेगी और फिर उसका मुकाबला क्वालिफायर वन में होगा ईडन गार्डन्स में गुजरात टाइटंस के खिलाफ। तो अगले मैच में शिमरन हेटमायर जो है वो अवेलेबल रहेंगे और जिन्होंने वो प्लेयर जो लगभग 291 रन बना चुके और ज़्यादातर नॉट आउट रहकर अपनी टीम को मैच जिताया भी है, शिमरन हेटमायर विस्फोटक खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज़ के और मिडिल ऑर्डर में लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने उसके बाद, यानी कि 7 मई के जो मैच था पंजाब किंग्स के बाद, उसके बाद दो मैच खेले राजस्थान ने, जिसमें एक में हार मिली एक में जीत मिली और दोनों मैचों में अलग अलग प्लेयर को ट्राई किया। शिमरन हेटमायर के जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने रासी वेंडर डूसेन को ट्राई किया, जो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। फिर अगले मैच में राजस्थान ने जिमी नीशम को ट्राई किया, उन्होंने भी उतना ज्यादा प्रदर्शन तो नहीं किया बट मैच में जीत जरूर मिल गई जो आई थी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, वो भी आई थी 24 रनों से। बट इस मैच में, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने वाले अपने आखिरी मैच में, शिमरन हेटमायर अवेलेबल रहेंगे और देखना होगा कि राजस्थान किस तरह से उनका यूज करती है और शिमरन हेटमायर क्या अपना पुराना फॉर्म पकड़ पाते हैं, क्योंकि इतने टाइम से वो क्रिकेट नहीं खेले, अपने घर गए हुए थे और एक बार फिर से उन्होंने वापसी की है और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए और उनके फैंस के लिए अच्छे संकेत हैं। तो आपको क्या लगता है, शिमरन हेटमायर कितने ज्यादा असरदार साबित होंगे जब वो CSK के खिलाफ अपना आखिरी मैच यानी कि लीग मैच खेलने उतरेंगे? तो राजस्थान रॉयल्स की पूरी नजरें और फैंस की पूरी नजरें शिमरन हेटमायर पर रहेंगी। तो आपको क्या लगता है, कितने रन बनाएंगे वो इस मैच में और क्या राजस्थान रॉयल्स को जीत की दहलीज तक पहुंचा पाएंगे शिमरन हेटमायर? आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।